वुहान एवैक्यूएशन जो चाइना से लगभग 645 पैसेंजर्स को लाया गया, उसमें से 654 पैसेंजर्स को लाया गया जिसमें 647 भारतीय थे। इसी तरह से 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन साउथ सूडान से 153 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया और 2 नेपालीज को भी। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल से 5000 इंडियंस को, भारतीयों को वापस लाया गया और 170 फॉरेन नेशनल्स को, यूएस, यूके, रशिया, जर्मनी, इन सब को नेपाल में जब भूकंप आया था तब वहां से निकालने का काम भारत ने किया। इराक और लीबिया से 7000 भारतीयों को वापस लाया गया, इराक और लीबिया से, और ये 7000 जो इराक से थे और 3600 लीबिया से भारत में वापस लाए गए। ऑपरेशन राहत में यमन से 6710 लोगों को वापस लाया गया जिसमें से 1962 विदेशी भी थे। तो भारत ने हिंदुस्तान के लोगों की जान तो बचाई, भारतीय नागरिकों को युद्ध की भूमि से आपदा के समय भी और आतंक के उस घटनाओं के बीच में से भी वापस लाने का काम किया। तो भारत ने दुनिया भर में जो एक पहचान बनाई कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कड़ी नीतियां बनाई और आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है। तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों की आतंकवाद को बढ़ावा देने की बनी है और ये दिखता है वो पड़ोसी ना केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि उसके लिए जोर जोर से बोलते भी हैं। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत नया भारत, सशक्त भारत बना है। जय जगन्नाथ। चका की साबू देखो आमे लड़ीबु साधारण ओडियांको न्यायर लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती, किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहिबु रोक ठोक।